नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। इस वक्त मैं किसी यूरोप की कंट्री में मौजूद नहीं हूं, बल्कि मैं देश की राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर में मौजूद हूं। देश की राजधानी दिल्ली का सौंदर्यकरण कर रहे और यही नजारा आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सुंदरता यहाँ पर की गई है, कितनी ज्यादा हरियाली है। अगर बात करें, थोड़ा और आगे चलते हैं तो लोगों के बैठने के लिए प्रॉपर बेंच बना रखे हैं। अगर इससे थोड़ा और आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा हरियाली जो है वो यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं रेड कलर में इस तरीके का जो है मॉन्यूमेंट यहाँ पर लगा रखा है। बहुत अच्छी तरीके से फूल जो है यहाँ पर लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है वो यहाँ पर सुंदरता जो है वो केजरीवाल सरकार ने जो है वो बना रखी है। आप देख सकते हैं साथ ही पूरे तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बदली जा चुकी है। आप देख सकते हैं अगर हम आपको थोड़ा और आगे चलकर दिखाएं तो यहाँ पर जो है प्रॉपर बैठने के जो है वो बेंचेस बना रखे हैं। देख सकते हैं एक शख्स जो है वो यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। किस तरीके से जो है वो बढ़िया तरीके से इंतजाम कर रखा है। आपको बता दें कुछ दूरी पर बस स्टैंड भी है, लेकिन बस स्टैंड पर इतनी ज्यादा धूप है जिसके वजह से लोगों को एक सहूलियत मिल गई है। साथ ही अगर हम थोड़ा और आगे चलकर आपको बताएं तो चारों तरफ से जो है वो सौंदर्यकरण किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फूलों को कितनी अच्छी तरीके से सजा रखा है, साथ ही पेड़ पौधे का पूरा ध्यान रख रखा है, ताकि दिल्ली में आपको बता दें वायु प्रदूषण कितना ज्यादा फैलता है, जिसको रोकथाम करने के लिए यही पेड़ पौधे जो है वो काम आते हैं। चलिए अब जनता से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर आपका नाम? पंकज यादव। सर ये जो सौंदर्यकरण किया गया द्वारा, उस पर आप क्या कहें? देखिए जी, काम तो ठीक हुआ है, वैसे अच्छा हो गया, हरा भरा माहौल, लेकिन ये जो रोड है यहाँ पे, ये थोड़ा और चौड़ा हो सकता था। शाम को सामने वाली आप सड़क की बात कर रहे हैं, क्यों, इसमें क्या परेशानी आपको लग रहा है? छोटी सड़क हो गई? सड़क छोटी हो गई, यहाँ ना जाम की समस्या बहुत हो जाती है शाम को, शाम के वक्त। हाँ जी, और यहाँ पे जैसे लोग कोई फैमिली को लेके नहीं आ सकता शाम को यहाँ पे, शाम को जैसे कपल्स बैठे होते हैं इधर, ठीक है, मतलब कोई वैसे फैमिली के साथ बैठना चाहे रुकना चाहे तो रुक नहीं सकता, यहाँ लोग शराब भी पीते हैं शाम के समय। हाँ जी हाँ जी, तो ये फैमिली के लिए डेवलप किया गया था, वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो नहीं आ पा रहे, ये मतलब गलत लोगों के लिए अच्छी जगह बन गई है उनके बैठने के लिए, लोग जैपनीज पार्क छोड़ के यहाँ बैठ रहे हैं आजकल। हाँ जी, यहाँ पर किसी प्रकार का नशा भी करते हैं युवा? हाँ जी करते हैं, यहाँ पे शराब पीते हैं लोग, यहाँ शाम को अंधेरा हो जाता है, लाइटिंग क्योंकि है नहीं, यहाँ लाइट नहीं है इतनी, तो लोग बैठ के यहीं पे नशा करते हैं, जो भी करना होता है उन्हें सड़क के किनारे। हाँ जी बिल्कुल, यहीं पे। सौंदर्यकरण के बारे में आएंगे, ये तो सरकार ने अच्छा काम किया। देखो जी ठीक ही है, रोड तो अच्छा हो गया, बस हरा भरा हो गया, पेड़ लग गए, लोगों के लिए चलने के लिए जगह हो गई, सही है वैसे तो, बट बाकी थोड़ा रोड सही हो सकता था। रोड का हो तो सर आपका नाम? मेरा नाम राहुल मिश्रा। तो कितने समय से दुकान चला रहे हैं? दुकान तो मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन मैं पाँच छह महीने से हूँ यहाँ पे। सौंदर्यकरण सरकार द्वारा किया गया, उसके आपको दुकान को कितना फायदा हुआ है? फायदा है थोड़ा बहुत जी। फायदा हो रहा है, सौंदर्य अच्छे भी है, साफ सफाई भी है ढंग से। पहले से ज्यादा कहीं ना कहीं कस्टमर बढ़े हैं आपकी दुकान पर? नहीं, कस्टमर है मॉल की वजह से डाउन हो गए हैं फिलहाल, कुछ तो है ही है। सौंदर्यकरण के बारे में क्या कहेंगे? तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से हूँ। तो यूपी में आपने ऐसी सड़कें देखी जैसे दिल्ली में आप देख रहे हैं? हाँ, यूपी में भी सड़कें हैं ऐसी, हैं हरी भरी। हाँ हाँ, सड़कें ऐसी। सौंदर्यकरण किया गया है, आपकी क्या राय है इस बारे? बहुत अच्छा करा, बैठ जाते हैं आके, साफ सफाई बढ़िया है, और बस स्टैंड भी पास में ही है, बैठ पहले बस स्टैंड, यहाँ धूप रहती थी बहुत, स्टैंड पड़े था और काफी देर से मतलब धूप में खड़े रहते थे, अब स्टैंड भी दो हैं, पेड़ पौधे भी हैं, साफ सफाई बहुत अच्छी है। में कितनी बार जो है आप झाड़ू मार लेते हैं? सर चार से पांच बार झाड़ू मार देते हैं। चार से पांच? पांच बार, एक नंबर, बढ़िया है, ये बन गया, हमें मजदूरी मिल गई, चार पैसे, हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं जी। कितने सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पर परमानेंट है? यहाँ पे है चार इस साइड पे है, चार इस साइड पे है, छह माली इस साइड पे है, पांच माली इस साइड पे है, हमारे लिए तो सब एक है। देखो ना, तो मैं क्या, तो मोदी खराब है ना, मैं क्या, तो केजरीवाल खराब है, हमें तो मजदूरी मिल रही, हमारे लिए सब ठीक है, ठीक है कि नहीं बस। लेकिन ये सौंदर्यकरण होने से ना तो दिल्ली साफ हुई है, बल्कि आपको रोजगार भी मिल गया। बिल्कुल। कितने समय से लगा काम कर? दिल्ली में पब्लिक जो है ना, उसे सफाई अच्छी नहीं लगती, बाकी सफाई हम लोग चाहे ना तो रख सकते हैं, ये दिल्ली की पब्लिक की सोच है, जहाँ खाए वहीं फेंक दे, जहाँ बैठे वहीं थूके, मतलब एक ये सोच
सोच बदलनी चाहिए बंदे की। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? हो गए मेरे को 7 महीने। 7 महीने आपको हो गए जी। कि दिल्ली के जनता की राय सौंदर्यकरण के बारे में कि लोगों का क्या क्या कहना है, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें डबल ए न्यूज़।